पर वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना म्यूजिक। क्यों म्यूजिक एंजॉय करना कब अच्छा लगता है? जब हमारी स्किन बहुत सुंदर दिख रही हो, हमें प्रिटी दिखा रही हो और अंदर से वो हेल्थी है। तो ये मैंने कुछ नए टिप्स हैं जो मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, वो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन। चलो शुरू करते हैं आज के टिप्स। ये चीज़ें ले रही हूँ, ये है पतंजलि का हनी, ये है टोमेटो, ये है कोकुम्बर जिसके मैंने 4 पीस लिए हैं, 2 अलग तरीके से कटे हुए इस तरीके से, और 2 इस तरीके से कटे हुए हैं। ये है शुगर, ये है केले का छिलका और ये केले का 2 पीस है। इतना सामान मैं लेकर आज का अपना स्किन ग्लोइंग मीन्स अपने स्किन को चमकाने का नुस्खा बता रही है। सकते हैं कि मेरा कोई भी मेकअप नहीं है चेहरे के ऊपर इस वक्त, तो मैं देख रही हूँ मेरी स्किन है वो काफ़ी ड्राई हो गई है सर्दी की वजह से। तो मैंने ये जो आधा कटा हुआ टमाटर वो लिया है, उसके ऊपर मैंने ऐसे शहद लगाया है। टोमेटो के अंदर विटामिन सी होता है, उसको ऐसे राउंड सर्कल में हमें अपने चेहरे के ऊपर घुमाना है। इससे जो डेड स्किन हो या जो ड्राई स्किन हो वो ठीक हो जाती है। वैसे ही हनी है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर देता है। इस तरह से मैं कंटिन्यूस चार से पाँच मिनट तक मैंने इसे ऐसे रब किया है अपने चेहरे के ऊपर। अभी 1 मिनट रहने देने के बाद मैंने जो शुगर ली थी उस शुगर को इस टोमेटो के ऊपर लगा रही हूँ। इसके बाद उसको सेम एरिया में ऐसे ही लगाना है। जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल है उसे ऊपर भी हमें लगाना है। ये हो जाने के बाद 5 मिनट हमें रुकना है, उसके बाद हमें ऐसे नैपकिन से डैप डैप करके क्लीन कर लेना है अपने चेहरे को। उसके बाद जो ये बनाना की स्किन है वो काफ़ी मॉइस्चराइजर होती है, उसको चेहरे के ऊपर ऐसे रख के फिंगर से रख के ऐसे ऐसे रब करना है। आप इसको तब तक रब करते रहिए जब तक कि अपना सारा मॉइस्चराइजर हमारे चेहरे के ऊपर ना आ जाए। ज़्यादातर हम अपना केला खा के इसकी जो स्किन होती है वो कहीं भी जोर से फेंक देते हैं। ये देखने के बाद आप ये स्किन रूटीन यूज़ में रह सकते हैं। उसके बाद 2 मिनट रखने के बाद ये जो इस तरह से कटा हुआ कोकुम्बर का पीस है वो मैंने लिया है और स्लोली अपने चेहरे के ऊपर ऐसे रगड़ना शुरू किया है। कोकुम्बर होता है वो बहुत ही चिल कोल्ड होता है और वो स्किन के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर साबित हुआ है। इस तरह से जो 2 कटा हुआ पीस है इसको मैंने ऐसे ऐसे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद वो राउंड शेप जो कटा हुआ है वो अपनी आँख के ऊपर थोड़ी देर रख के ऐसे देखना है। इस तरह से हम रख के सो भी सकते हैं। तो दोनों आँख के ऊपर मैंने रख दिया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा अभी, तो मैं बाद में रख लूँगी, आपको आइडिया दिया है। इसी तरह से उसके बाद ये केले का जो 2 पीस मैंने बना के रखा है इसको अपने होठ के ऊपर यहाँ पर हमें ऐसे रगड़ना है। खा सकते हैं मगर इस वक्त मैं खाने के लिए नहीं बना रही। इस तरह से चीन और चीन के नीचे ज़्यादातर ये पीस मैंने इसलिए कटा था ताकि ये होठ की आजूबाजू में हमारी जो सेंसिटिव और जो पतली स्किन होती है ज्यादा इफेक्ट होता है वहाँ पर लगाने के लिए मैंने लगाया है। उसके बाद आप चाहे तो अपने हाथों से भी ऐसे मालिश कर सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट रहने देने के बाद हम इस नैपकिन से अपना चेहरा क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरी स्किन है वो पहले से ज़्यादा कितनी ग्लो कर रही है, बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया है, मॉइस्चराइजर भी आया है। आप ये हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं। ये करने से हमारा चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा, फिर हम एंजॉय करेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे और पार्टी भी करेंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।